वीडियो बनाया लेकिन कैमरा ऑन करना भूल गए, मेरा समय बर्बाद चला गया, फिर से शूट कर रहे हैं। तो आपको ये दिखा रहे थे कि ये रास्ता जो जा रहे हैं ना, ये रास्ता जो देख रहे हैं आप, ये रास्ता चले जाएगा अकबर नगर सुल्तानगंज, ये रास्ता जाता है, ये रास्ता जो है वो देखिए बाइक वाला गिर गया, देखिए वहाँ देखिए स्लिप हो गया बाइक। खैर कोई बात नहीं, वहाँ से जाने में बहुत समय लगेगा, तो दूसरा कोई बचा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उठा लेगा। तो ये रास्ता आपका भागलपुर की ओर चल जाता है, ठीक है, चंपा पुल होते हुए। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, जिस रास्ते पर अभी आपको हम ले जाएंगे, तो ये रास्ता गोसाईदासपुर हरिदासपुर की ओर जाएगा। तो ये रास्ता बाधित हो चुका है। क्यों क्यों हुआ है बाधित? क्योंकि इस रास्ते में बाढ़ का पानी भर चुका है, लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं, धूप काफ़ी तेज़ है, पसीने आ रहे हैं, फिर भी आपको ये वाला क्लिप दिखा रहे हैं, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दिखाते हैं आपको, ये पानी की रोड पर पानी भर चुका है और आपको ये पानी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है पूरा पानी यहाँ रोड पर पानी आ चुका है और आगे नाव चल रहा है, आगे नाव दिखा रहा है आपको। थोड़ा दूर तो आपको जाकर दिखाई सकते हैं पानी में कि कहाँ तक पानी का स्तर है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा दूर जाने में तो कठिनाइयाँ होंगी। तो ये पानी है, ठीक है, और ये पानी में हम लोग अभी थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखाएंगे, क्योंकि पानी का रफ्तार बहुत तेज है, इसीलिए हम लोग रिक्स नहीं लेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, बह गए तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, इसे बहना नहीं है, आपको दिखा रही है, देखिए है ना। अरे विक्रम आ रहे हो, विक्रम बॉस भी आ रहा है, निकली है यहाँ नीचे, पानी घुटना के नीचे तक है, लेकिन यहाँ से जो है पानी है ना थोड़ा सा वहाँ तक, देखिए घुटना के ऊपर तक पानी है, नाव के पास चूँकि ये रोड है, ये पूरा रोड है, ठीक है, इसके बाद भी ये मतलब थोड़ा सा लेवल रोड का नीचे हो गया, जिसका घुटना के ऊपर तक पानी है, इसलिए वहाँ तक नहीं जाएंगे, यहीं तक ठीक है, ठीक है, यहीं तक ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि रोड पर पानी भर चुका है और लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। क्यों? क्योंकि इसके आगे जितना भी रास्ता है, जितना भी गांव है, सब जलमग्न है, आगे पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं है, सब में पानी भर चुका है और यही एक नाव ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि लोग अपने घर जा सकते हैं। आप सोचिए, कमाने खाने के लिए लोग आते जाते हैं, बाहर कोई ज़रूरी काम से आते जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह ये सब चीज़ें, तो कैसे लोग आने आते जाते हैं ये सोच सकते हैं आप। तो ये पानी भर चुका है, आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और यही पानी में चलकर नाव के सहारे अपना चलकर घर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं और इसी से इनका अभी वर्तमान में जीवन यापन चल रहा है। ये रोड है, वो नदी है, देखिए मतलब रोड और नदी का जो है लेवल पूरा मिल गया है, कोई फासला नहीं रहा, एकदम इक्वल लेवल हो गया ये, इधर भी देख लीजिए। और ये घर है, कुछ अभी तक का पता नहीं है, ठीक है गाइस देखते हैं। अगर ये जो घर बनाया ना, ये एक फ्लोर नीचे भी पिलर है, वो पिलर देखिए छू रहा है, पूरा पूरा ऊपर तक पानी चढ़ गया है, जबकि नीचे कम से कम समझिए कि एक मंजिला नीचे पिलर है, फिर भी देखिए पानी कहाँ तक पहुँच गया है। मेरा जब मछली ना मेरे पैर के नीचे से निकल गया, बहुत मछली है, हमको लगा पता नहीं अंदर में क्या है, नहीं है, बहुत मछली है पानी में, ऐसे मुट्ठी बांधेंगे ऐसे पकड़ लेंगे। एक काम करो, अरे सारा इतना मछली है, अरे बाप रे बाप कितना मछली है, अरे अरे एक काम करो गमछा लो, मछली फंसाएंगे, मछली खाएंगे रात में, क्या रे नीरज फंसा मछली, हाँ हाँ हाँ, अब गमछा रखो बहुत है, 10-20 किलो मछली आई जाएगा, पकड़ लो पैंट ऐसे यहाँ पे बांध लो, डट पागल ऐसे करके फिर तुम अपने पैंट पे घुसा लो। अरे किसको गरज रहा है यू लोग, हम लोग को नहीं गरज रहा है। चलिए अब पानी में बहुत हो गया, अब हम लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि आप लोग देख ही चुके हैं कि पानी का क्या मतलब कि ये समस्या है यहाँ, ठीक है। 2022 में इसे भयानक आया था, फिर भी ये भी बहुत भयानक ही है, समझे कि नदी का लेवल और रोड का लेवल कितना मिल गया है। और ये भाई साहब भी देखिए वीडियो बना रहे हैं, अब पता नहीं ब्लॉगिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब निकलते बाहर, हमको लगता है कि यहाँ पे पानी भर गया है क्या, आओगे रे आरे
वाह जी वाह, आप लोग तो घर में एसी कूलर में है, लेकिन यहाँ देखिए बाढ़ के वजह से यहाँ लोग ग्रामीण लोग किस तरह से रह रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, आप जो घर में एसी कूलर में बैठ के वहाँ हवा खा रहे हैं, जरा सोचिए, वो पल भी सोचिए, वो नज़ारा भी सोचिए कि एक गरीब आदमी कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ बाबा है, दादा है, हमारे दादा उम्र के हैं। यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ कड़ी धूप है, धूप बहुत है, जब 35 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस है अभी भागलपुर में। और ये कड़ी धूप में देखिए किस तरह से यहाँ पे खटिया लगाया है, चारपाई लगा के ऊपर से ये आपका मुसरी लगा दिए है, लुंगी ऊपर फंसा दिए ताकि धूप जो है अंदर नहीं जाए। और अंदर किस तरह से रह रहे हैं आपको दिखाते हैं। देखिए दर्द, देखिए जरा कैसा सीना फट जाता है, ये देखिए सीना फट जा रहा है, सोचिए जरा क्या रह पाइएगा ऐसे। देखिए अब बाढ़ आया जिस कारण से यहाँ रहने को मजबूर है, इनका भी घर है अपना, घर में पानी घुस चुका है चूँकि यहाँ रहने के लिए मजबूर है ये। देखिए इनका दर्द देखिए, खाल ले पूरे जाए। अरे हम देखिए देह पर कपड़ा सब नहीं छे, जुटे छे भसी ले डुबा हो ले। ठीक है, जैसे बाबा घर में जो पानी घुसा है तो क्या क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत खार नहीं छे, साफे नहीं छे, खाना पीने का मतलब की दिक्कत हो रहा है, सब भसी गेले। हां कपड़ा उपड़ा का है, कपड़ा भी भस गया, कपड़ा छाए कपड़ा बचे छाए। खाने का तो बहुत दिक्कत है। हाँ, खाने का बहुत दिक्कत। और रहने का? हाँ, काफी ज्यादा जो है मुश्किलों से सामना यहाँ के लोगों का देखिए। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग को आए निकले घर से 2 घंटा हो गया, धूप की वजह से जो है ज़्यादा हम टिकने पाते पा रहे हैं। और अंदर गंजी जो है हम लोग का मतलब कपड़ा जो है बहुत ही भीग चुका है पसीना से। अब यहाँ पर वीडियो आप लोग देखें ना, बाढ़ का जो बाढ़ के वजह से क्या हालात हो चुका है, तो आप लोग इसे मेरे वीडियो के माध्यम से अच्छा से देखें। अब हम यहीं पर वीडियो रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत अभी धूप है और वीडियो नहीं बना पाएंगे। ठीक है नीरज कुमार, ठीक है, टाटा टाटा, ठीक है, बाय बाय। हाँ सोचिएगा सोचिएगा, बाढ़ के ऊपर जितना वीडियो बनाया है ना उसको शेयर कीजिए, जब तक शेयर कीजिएगा तो ये आवाज़ जो है हर जनता के पास पहुँचेगी, हर नेता के पास, नगर निगम प्रशासन के पास पहुँचेगा, और यहाँ इन लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सुविधाएँ मिलेगी। ठीक है, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, जितना जम के शेयर करना चाहते हैं उतना शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों को मदद मिल सके और ये लोग बाढ़ से जो प्रभावित है तो ये लोग अपना जीवन अच्छा से गुजार सके और हमेशा इस ये जो बाढ़ का कंडीशन में ये लोग परेशान जो होते हैं ना वो फिर आगे परेशान ना हो पाए। ठीक है, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। बाय।